अच्छा जी, अब मैं अब निकल रहा हूँ होटल से, अपना चेकआउट कर रहा हूँ। 12 बजे तक का टाइम था, लेकिन उन्होंने मुझे एक घंटे तकरीबन एक्स्ट्रा दे दिया। नमाज़ का टाइम था, तो बस अभी कायरो के लिए रवाना किए। फिर इंशाल्लाह बाकी बातें रास्ते में होंगी, और कायरो में होंगी। मैंने अभी टिकट वगैरह सर ख़रीद लिया है कायरो जाने के लिए। रेलवे स्टेशन की हालत इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हो तो उसी तरह के रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। और 3:30 की ट्रेन है, तो अभी बैठे हुए लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं। मोबाइल चार्जिंग, तो मैंने कहा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दूँ यहाँ पर। जी भाई, फाइनली मैं ट्रेन में आकर बैठ गया हूँ। एसी स्लीपर है ये, और बहुत अच्छे से इसके अरेंजमेंट है। अब तकरीबन 3 घंटे लगेंगे यहाँ से कायरो पहुँचने में। तो देखना, 12 टिकट इसका मिला है £70 का। ये टिकट है, सीधा करके दिखाओ। ठीक है, 43 नंबर इत्तेफाक से खातून ने मुझे विंडो सीट दे दी। ये भाई साहब जो बराबर में ही जा रहे थे, लेकिन और भी तो हमें भी पढ़ना आती है ना यार। तो यहाँ के बैठे अभी 3-4 घंटे का रास्ता है, फिर कायरो पहुँचेंगे। हमारा ट्रेन चल पड़ी है टाइम पे, 5 मिनट के वक्फे से मतलब देर हो गई। तो बाकी बात है, मोबाइल भी चार्ज नहीं है, वीडियो नहीं बन सकती। बाकी रास्ता में इंशाल्लाह वीडियो वगैरह जो भी वो बनाएंगे इंशाल्लाह। पहुँच गए भाई कायरो। ये कायरो का मेट्रो स्टेशन है, बड़ा ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है। 4 घंटे लगे तकरीबन आने में। ये है कायरो का मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, और इस पर इतना टाइम लगा है। बहरहाल बाकी बातें इंशाल्लाह होटल पे जाके होती हैं। फाइनली भाई मैं पहुँची हूँ कायरो भाई के साथ। मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ, और बाकी बातें होंगी इंशाल्लाह वो फिर होटल में पहुँच कर ही होंगे। कभी काफ़ी लेट होते हूँ मैं, और खाना वाना भी नहीं खाया, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बात कर रहा हूँ। फाइनली भाई मैं अपने होटल पे पहुंच चुका हूं। तो अभी शो स्टार्ट होने वाला है 9 बजे का, तो अभी अंधेरा हो रहा है, लेकिन मैंने कहा अभी ऊपर आ जाऊं, मैं पैरामिड दिखाऊं जो अभी लाइव हो रहे हैं, तो आप लोग देखिए इसको। ये बैक साइड पे पैरामिड्स हैं।